JMB मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। आज डिस्प्ले के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे कि आपका मोबाइल टूटता है या फिर डिस्प्ले डैमेज होती है, आप जैसे कोई दुकान वाले के पास जाते हो तो आपको बताया जाता है कि ओरिजिनल डालना है, कॉपी डालना है या पेस्टिंग डालना है या फिर वारंटी वाला डालना है। इसमें आपको दुकान वाला कैसे बनाता है ये आपको बताने जाते हैं। ये देखिए, ये आएगा एकदम चालू वाला, एकदम थर्ड क्लास, जो खाली चेक करके बोलेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं लेगा इसकी। उसके बाद आएगा पेस्टिंग कॉपी वाला, ये आएगा, ये भी उससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी है लेकिन इतनी खास नहीं है, ओके। उसके बाद आएगा ये, सब बोलने के लिए है। और आपको ये दिखाया जाएगा, ये बोला जाएगा कि 99 कॉपी है, इस टाइप का स्टील वाला दिखाया जाएगा जो 100% ओरिजिनल बोला जाएगा। इसमें बारकोड नहीं आएगा, ये बिना बारकोड का होगा। बिना बारकोड का इसलिए होगा कि ये 99 कॉपी है, 100% नहीं है। और जो 100% आएगा उसका जो बेल्ट है वो स्टील से पूरा पैक होगा, और ये जो बेल्ट है इस पर बारकोड होगा। इसको स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 100% ओरिजिनल है, ठीक है। और एक दूसरा आता है, जैसे कि सैमसंग का आता है पेस्टिंग वाला, जो फिंगर वाला बोलते हैं, उसमें ये विदाउट फिंगर आता है और ये कॉपी फिंगर आता है। खाली फिंगर बताया जाता है लेकिन फिंगर नहीं होता है। और जो 100% MOLED आता है, OLED या MOLED बोलते हैं, उसका फिंगर इस तरीके से चमक मारता है और ये IC पूरी तरीके से लगी होती है और इसकी फिनिशिंग पूरी ही अलग होती है। आपको आइडिया आ जाएगी, ये देखिए तीनों में कितना फर्क है, यहाँ देखिए तो आइडिया आएगी। इसमें खाली कॉपी वाला बताया गया है, ये दोनों को मैच कीजिए, ये खाली सिंबल बताया गया लेकिन है नहीं, लेकिन यह इसमें ग्लास है। और यहाँ सेंसर देखिए, इसमें बताया लेकिन सेंसर बिल्कुल नहीं है, और इसमें जेन्युइन सेंसर दिखाया गया हुआ, तो इसलिए MOLED ओरिजिनल। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।